आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। टोली के क्षेत्राधिकार में टिकट दलाली के विरोध, आरपीएफ ने मारा छापा। अवैध आईआरसीटीसी के वेबसाइट से विभिन्न यूजर आईडी से रेलवे टिकट बुक करने का आरोपी भी धराया। रेसुबा पोस्ट टोरी के अधिकारी व जवानों के द्वारा गुप्त सूत्रों के आधार पर रेसुबा पोस्ट टोरी के क्षेत्राधिकारी में टिकट दलाली के विरुद्ध अभियान के तहत छापामारी के क्रम में बालूमाथ शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से आईआरसीटीसी के वेबसाइट से अलग अलग व्यक्तिगत यूजर आईडी से रेलवे टिकट बुकिंग कर अपने निजी हित लाभ हेतु व्यवसाय कर रहे सोनी कंप्यूटर सेंटर में समय लगभग 12 बजे छापामारी कर एक व्यक्ति मोहम्मद शारिन फरहान, उम्र लगभग 23 वर्ष, पुत्र मोहम्मद मोबिनुल हक, निवासी गालिब कॉलोनी थाना बालूमाथ जिला लातेहार झारखंड पकड़ा गया तथा उक्त कंप्यूटर सेंटर में जांच करने पर आईआरसीटीसी की वेबसाइट से अलग अलग व्यक्तिगत यूजर आईडी से बनाए गए एक कुल 8 अदद लाइव टिकट जिसका मूल्य 25,018 रुपए है, दूसरा कुल 3 अदद पास्ट टिकट जिसका मूल्य 1495 रुपए है, तीसरा 2 अदद लैपटॉप, 4 1 अदद एचपी कंपनी के प्रिंटर, 5 इस्तेमाल किया हुआ आईफोन मोबाइल आदि बरामद किया गया, जिसे मौके पर टोरी के द्वारा उपस्थित गवाहों के समक्ष जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। उक्त के बाबत पूछताछ करने पर पकड़े गए व्यक्ति ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया बल्कि अपना अपराध स्वीकार किया। राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की ब्यूरो रिपोर्ट। कोविड-19 के दौरान बालूमाथ थाना क्षेत्र से कुछ टिकट दलाली का मामला आया है जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या है पूरा मामला? ऐसे कुछ सूचनाएं मिल रही थी और कि श्रमिक स्पेशल जो ट्रेनें चल रही हैं उसका फायदा कुछ लोग लेने में लगे हुए हैं और टिकट दलाली के धंधे काफी बढ़ गए हैं। तो उसमें बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक सोनी कंप्यूटर है उसकी सूचना मिल गई थी, तो उसका वर्कआउट किया गया और वहां रेड डाली गई जिसमें एक आदमी पकड़ा गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जी। उनके पास से क्या क्या? अच्छा, उसके पास से 8 लाइव टिकट मिला जी, और जिसकी कुल वैल्यू आपको 25,018 रुपए की है जी, जो कई जगहों का है, नई दिल्ली से रांची, गया से जोधपुर, ऐसे करके है, तो कई जगहों के हैं। 8 टिकट हैं लाइव टिकट और 4 टिकट उसमें कैंसिल हुए थे, 3 टिकट जो है वो पास्ट के हैं जो अवेल किए जा चुके हैं, और 2 लैपटॉप था, 1 प्रिंटर था जिनसे काम किया जा रहा था जी। और तरह तरह के पर्सनल यूजर आईडी बनाकर, जबकि आईआरसीटीसी द्वारा उसको ऑथराइज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो पर्सनल यूजर आईडी बनाकर फर्जी ढंग से और उस पर ज्यादा पैसे की उगाही करके लोगों को टिकट दिया करता था।